एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर दो मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है? You're saying you work in the airline industry, so you are in the aircraft industry? Yes. The aircraft has tires, so you're in the rubber industry? Yes. The aircraft has passengers, so you're in the people industry? Yes. The aircraft serves food, in the aircraft they serve food, so you're in the food industry? So how can you tell me that you're working just in the aircraft industry or the airline industry? छे हैं, ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा। छह कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ हैं उनके नाम? सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ हैं उनके नाम? This morning, I got up at night. This morning, I got up at night. और एक और बात सुन लीजिए, आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। और अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। Politics is everywhere. It's in your shirt, it's in your pants, it's everywhere. Even though the BJP has come to power, I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी, यह भारतीय समाज की एकता
और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, सॉरी बलात्कार, बलात्कार। गुजरात इज बिगर देन द यूनाइटेड किंगडम। In fact, India is, you know, is bigger than Europe and the United States put together. राहुल जी, काले धन के मुद्दे पर स्वामी रामदेव तमाम तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर है और आप उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या वो पैसा आ जाता या उसको ले आने की कोशिश की जाती तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में देर लगती, या क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए रामदेव जी अपने 4-5 लोगों को काले झंडे लेकर मेरी मीटिंग में भेज रहे हैं, रेगुलरली हर मीटिंग में भेज रहे हैं। वो सोचते हैं कि 4 झंडों के साथ राहुल गांधी भाग जाएगा। राहुल गांधी जनता की आवाज सुनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप झंडे लगाओ, गोली मारो, मैं गांव में जा रहा हूं। खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है, गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो, हमारे समय आ गए। नमस्कार, सुन के आए, आपने सुना नहीं, फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या?
एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? तो आपने गजेंद्र जी पे मेरे सवाल मैं आ रहा हूँ, गजेंद्र पे भी आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको दिक्कत है, एलजी साहब को, नरेंद्र मोदी जी को, होम मिनिस्ट्री को अगर दिक्कत है, कोर्ट चले जाए। ये रोज रोज नोटिफिकेशन से सरकारें चलती हैं क्या? वो कह रहे हैं हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। कौन होते हैं वो तनख्वाह? तनख्वाह असेंबली देती है, तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है। नरेंद्र मोदी जी ये सोच लें, जनता नरेंद्र मोदी जी की भी तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है, एलजी की भी तनख्वाह दिल्ली की जनता देती है। वो कौन से गरूर में जी रहे हैं कि तनख्वाह नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी जी समझ लें, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।